Guys, welcome to the channel. Thank you for joining me. And this was going to be Manisha's reading for this week. So first we will check the overall energy. Overall energy is week ki kaisi rahegi, and then we will break this down for professional and personal relationships. So dear angels, can we please know the overall energy? Overall, how this week is going to go for Manisha? We thank you so much for this. Okay, 10 of cups in reverse mein hai, knight of wands bhi reverse mein hai, and the death card for something, and the sun is there. Kya overall energy hai Manisha ki is week ki? Something big transformation is coming in her life. कोई एक major change शायद आ रहा है उसके life में, कुछ end हो रहा है. और 10 of cups है और knight of wands है, तो knight of wands क्या end हो रहा है ये? There is something that is ending in her life. कुछ major change, transformation ये week उसके लिए लेके आ रहा है. नाइट ऑफ वॉन्स के साथ, अब ये नाइट ऑफ वॉन्स कौन है ये तो हम नहीं बता सकते, बट कोई नाइट ऑफ वॉन्स के साथ शायद रिलेशनशिप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. मनीषा, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ मनीषा एंड अभिषेक का जो मैंने रिलेशनशिप डायनामिक्स किया था वहां पे, मैंने जो कि अपने अपडेट वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन किया है, द रीजन ऑफ बैलेंस शोइंग इन द फ्रंट and the tower card at the end of the deck, I mean at the clarifier. तो वो जो tower card आ रहा है जो कि किसी चीज के end का significator होता है, क्या वो चीज end हो रहा है यहाँ पे? क्या यहाँ पे कुछ तरह का तो relationship लग रहा है कि end हो रहा है. There is something that is coming to an end. बट यहां पे सन का भी साइन है, मे बी दिस एंड इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड न्यूज और समथिंग लाइक दैट. उसके प्रोजेक्ट भी तो एंड हो रहे हैं ना, उसका प्रोजेक्ट भी तो एंड हो रहा है. बट समथिंग इज एंडिंग हियर, किंग नाइट ऑफ वॉन्स है तो कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है, और 10 ऑफ कप्स है. यहां पे तो ओवरऑल एनर्जी ऐसा लग रहा है जैसे कि समथिंग दैट यू प्लान्ड, सम किसी के साथ जो लंबी प्लानिंग की थी, जैसे कि किसी के साथ रिलेशनशिप प्लान किया था कि एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, इट इज कमिंग टू एन एंड. मैंने कि 10 ऑफ कप्स जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, यहां पे एंड है. लेकिन यहां पे एक सन का कार्ड भी है जो कि मे बी दिस कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हर. ओके, बट मनीषा के लिए कुछ तो एंड हो रहा है इस वीक. मे बी किसी के साथ रिलेशनशिप इज कमिंग टू एन एंड, जिसके साथ काफी प्लानिंग की थी कि बहुत अच्छा रहेगा रिलेशनशिप. एंड दिस एनर्जी रिमाइंड्स मी ऑफ दैट टावर कार्ड जो इनके डायनामिक्स में हमने देखा था. बट एनी वेज, लेट्स सी वॉट इज रियली हैपनिंग इन हर करियर. करियर में मनीषा के क्या हो रहा है, लेट्स सी. ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड मून का कार्ड, कुछ तो है जो सही नहीं हो रहा है. लाइक शी फील्स, करियर में ऐसी एनर्जी है कि किसी चीज के कारण बहुत दुख हो रहा है. क्यों दुख हो रहा है? जो कि शायद उसको वो डिजर्व करती है वो नहीं मिल रहा है, जैसे कि उसको जो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, मोर लाइक करियर में जैसे कि किसी ने अबैंडन कर दिया, निकाल दिया, ऐसा करके उसकी एनर्जी हो सकती है. करियर में व्हाट इज रियली हैपनिंग फॉर हर दिस वीक, मनीषा रानी, लेट्स सी. ओके, एग्जैक्टली दिस कार्ड, दिस एनर्जी इज प्रिवेलेंट. एग्जैक्टली सेवन ऑफ वॉन्स स्ट्रगलिंग. सेवन ऑफ वॉन्स तो मनीषा का लास्ट वीक रीडिंग किया था, वहां पे भी दिखाया था कि शी विल हैव टू फाइट फॉर हर थिंग्स. यहां पे वो ब्लॉक्ड फील कर रही है, बट बाहर आएगी इसके. ऑल राइट,
तो ये जो डेथ देख रहे हो बस एवे ही नहीं आया है, देर इज अ रीजन फॉर सम दिस। एक अच्छा रिलेशनशिप जहां काफी हैप्पी डैपी हर चीजें थी, टेन ऑफ कप्स, हैप्पी डैपी हर चीज था, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी कि हर चीज अच्छा रहेगा, दैट हैज गॉन कापुट, यानी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ शड़बड़ हो गई, यानी कि इट हैज गॉन रॉन्ग, इट इज कमिंग टू एन एंड। अब रिलेशनशिप यहाँ पे करियर में देखो क्या हो रहा है। लास्ट वीक जो मनीषा का रीडिंग किया था वहां पे मैंने बोला था कि उसके करियर में हर चीज सही चल रहा है, लेकिन कंपटीशन आने वाला है एंड उसको उसके लिए फाइट करना पड़ेगा। अब वो एनर्जी फिर से आ गया है उसके फ्यूचर में, हालांकि वो अभी उसने फाइट करना स्टार्ट नहीं किया है, फाइट नहीं कर पा रही है वो, और इसीलिए शायद वो मून के फेज में है, शी इज फीलिंग द वूंड एंड द सैडनेस। करियर में क्या होगा इस वीक? इस वीक ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके करियर में, जैसे कि वो किसी प्रोजेक्ट में काम कर रही है ना अभिषेक के साथ, तो वहां पे वो एक अबैंडन्ड फील कर सकती है, जैसे कि उसकी उसका इंपॉर्टेंस जैसे कम सा गया है, उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ये यहाँ पे जो साजिश हो रही है उसके कारण हो रहा है, यहाँ पे कुछ तो गेम उसके साथ खेला जा रहा है, फाइव ऑफ सोर्ड, जानबूझ के उसके साथ ये किया जा रहा है। ओके, ये लग रहा है, और वो ऑफ कोर्स फाइट नहीं कर पा रही है, उसको फाइट करना चाहिए बट वो फाइट नहीं कर पा रही है। बट मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की रियलिटी उसको पता चल गई है, कुछ लोगों की जो उसके आंख पे पट्टी बंधी हुई थी ना, जो कुछ लोग गेम खेल रहे थे, यहाँ पे बिग टाइम गेम हो रहा है, फाइव ऑफ सोर्ड एंड सेवन ऑफ सोर्ड, बिग टाइम गेम हो रहा है उसके साथ, बट उसने आंख पे पट्टी बांध रखी थी, अब उसके आंख की पट्टी खुल गई है, इसीलिए शायद वो मून कार्ड में सैड भी फील कर रही थी। इसके साथ जो कार्ड आया था ना शफल करते वक्त, मून का कार्ड, उसको बेसिकली कुछ लोगों की सच्चाई पता चल गई है, ये नाइट ऑफ वॉन्स की शायद सच्चाई पता चल गई होगी, और इसीलिए कुछ डेथ का भी कार्ड आया है यहाँ पे। इट्स मोर लाइक कि किसी किसी की सच्चाई जैसे उसको पता चल गई है, जैसे कि वो उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, जानबूझ के उसके साथ कुछ साजिश हो रही है, क्योंकि एंड इट्स अ बिग टाइम साजिश, बिकॉज दिस इज अ फाइव ऑफ सोर्ड का कार्ड एंड सेवन ऑफ सोर्ड का कार्ड, कुछ ट्रिकरी हो रही है, जानबूझ के ट्रिकरी हो रही है, और ये उसके करियर में हो रहा है उसके साथ, और शायद उसकी जो आंखें खुल गई है ना, उसको रियलिटी पता चल गया है, शायद नाइट ऑफ वॉन्स का रियलिटी पता चल गया है। अब ये नाइट ऑफ वॉन्स कौन हो सकता है? आई डोंट नो, ये कोई भी हो सकता है, आई वुड नॉट वॉन्ट टू टेक अ नेम, बट ये जो भी नाइट ऑफ वॉन्स है उसकी रियलिटी उसको पता चल गई है, और इसीलिए नाइट ऑफ वॉन्ट के साथ रिलेशनशिप खत्म हो रहा है। वैसे तो ये ओवरऑल एनर्जी है, कुछ भी खत्म, समथिंग इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड, बट मोस्टली तो ऐसा लग रहा है कि एक इंसान के बारे में उसके कुछ पता चला है एंड दिस रिलेशनशिप इज कमिंग टू एन एंड। थ्री ऑफ सोर्ड देखो फिर से आया है यहाँ पे, एंड शी इज टेकिंग अ सोर्ड एंड कटिंग द रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। दिस इज एग्जैक्टली द एनर्जी ऑफ टावर का कार्ड, जो कि अभिषेक और मनीषा के रिलेशनशिप डायनामिक्स में आया था। सामने में टेम्परेंस का कार्ड था जो कि दिखा रहा था कि हर चीज सही है, लेकिन टेम्परेंस भी उल्टा था, लेकिन उस टेम्परेंस के नीचे जाओगे तो देखोगे कि बिल्कुल वहां पे टावर ऑलमोस्ट टूट के गिरने वाला है, और इस वीक की एनर्जी क्या है? कमिंग टू एन एंड। शायद वो अपना तलवार लेके किसी के साथ अपने रिलेशनशिप को खत्म करेगी, क्योंकि उसको सच्चाई पता चल गई है किसी की, एंड शी इज अगेन हर्ट। तो डेफिनेटली अ वेरी चैलेंजिंग स्टॉर्म कमिंग टूवर्ड्स मनीषा दिस वीक। अब हम देखेंगे उसके रिलेशनशिप का गाइडेंस। वेयर इज दैट कार्ड? यहां पे रिलेशनशिप में क्या हो रहा है? किंग ऑफ सोर्ड अगेन, शी विल टेक सम डिसीजन, लुक्स लाइक सम स्ट्रांग डिसीजन, बिकॉज बहुत सारे सोर्ड उसके हार्ट में भी गए हैं ना, अब इसी सोर्ड को उठा के वो लोगों को काट अपने लाइफ से काटना स्टार्ट करेगी। देखो अगेन द रिपिटिशन, शी हैज बीन हर्ट बैडली बाय सम पीपल, शी हैज बीन लेट डाउन बैडली, एट ऑफ कप्स, किसी ने उसको बहुत दुखाया है, और वो अब क्योंकि उसका आंख खुल गया है ना, उसकी आंखें खुल गई हैं, पहले तो वो आंख पे पट्टी बांध के रखती थी, लेकिन अब उसको पता चल गया है कि जो उसके साथ साजिश कर रहा है ये किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्स ही है, एंड इसीलिए उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ है जिसने उसको हर्ट किया है। और अब क्या कर रही है? शी इज वॉकिंग अवे डेथ। रिलेशनशिप में आ रहा है ना, ये रिलेशनशिप का रीडिंग है,
दिस इज ओवरऑल, दिस इज